आज मैं बना रही हूँ छोटे फिश, वो भी एकदम बढ़िया से मसालेदार बना रही हूँ और बहुत ही स्वादिष्ट बना रही हूँ और बहुत ही यूनिक तरीक़ा से बना रही हूँ ये मैं छोटे फिश। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, पूरे वीडियो देखिएगा, अच्छा लगने से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये 300 ग्राम छोटे फिश है, देखिए इसको मैंने साफ़ कर लिया है, अच्छे से साफ़ करके धो के रेडी कर लिया है। तो इसको मैं कैसे बनाती हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो इसका लिए मैंने कुछ मसाले रेडी की हूँ, देखिए मसाले में है प्याज है और ये थोड़ी जीरा है, ये लहसुन है और इसे मैं पीस लूँगी अच्छे से, एकदम बारीक से मिही करके पीसूँगी और इसे मैं बिना फ्राई किए ही बनाऊंगी और इतना बढ़िया बनेगी बिना फ्राई करके भी। तो मसाले को मैंने पीस लिया है, देखिए एकदम बारीक से पीस लिया है मसाले को और अब मैं इसी में मसाले में डाल दूंगी हल्दी पाउडर हाफ चम्मच और डालूंगी लाल मिर्च पाउडर है हाफ चम्मच और थोड़ी पानी ऐड कर दूंगी। तो मसाले रेडी हो गया है, अब चले बनाते हैं। बनाने के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ 3 चम्मच और साथ में एक प्याज को मैं भून लेती हूँ, पहले एक प्याज है इसे भून लेती हूँ अच्छे से। अब मैं इसी में डालूंगी एक बड़े साइज़ का टमाटर, इसको छोटे छोटे काट लिया है और टमाटर को भी मैं इसमें भून लेती हूँ अच्छे से। अब इसमें डाल दूंगी नमक, मैं स्वाद अनुसार नमक पहले टमाटर के ऊपर में डाल रही हूँ क्योंकि टमाटर जल्दी गल जाएगा, इसीलिए मैंने नमक डाल दिया है। अब इसे मैं भून लेती हूँ और कुछ टाइम। देखिए टमाटर गल चुका है, अब पिसी हुई मसाला डालूंगी। तो अब मसाले को मैं अच्छे से भूनूंगी, कम से कम 10 से 15 मिनट तक मसाले को मैं भून लेती हूँ पहले। मसाले को मैंने 15 मिनट भूनी हूँ, अभी ये मसाले भून चुके हैं अच्छे से। अभी मैं इसका ऊपर में फिश को डाल दूँगी, सारा फिश ऊपर से डाल रही हूँ। बिना फ्राई किए ही मैंने ये फिश बना रही हूँ और ऐसा बनेगी ये फिश, बहुत ही स्वादिष्ट होगी और साथ में एक भी फिश टूटेगी नहीं, ये जैसी है वैसी ही रहेगी। तो इसे मैंने अच्छे से ऊपर से मिला रही हूँ और पूरा पूरे मसाले में मैंने फिश को भर दिया है, देखिए। और अब इसे मैं 5 मिनट छोड़ देती हूँ ऐसे ही पकने के लिए कम आँच में।
देखिए 5 मिनट हो चुका है और मैं अभी इसमें चम्मच नहीं लगाऊंगी, हाथ से इस तरीक़े से इसे घुरा लिया हाथ से, अच्छे से इसे मिला रही हूँ। और अब इसमें मैं धीरे से चम्मच लगा रही हूँ और लगा के इसे पलट दूंगी, मैं धीरे धीरे सारे फिश को मैं पलट दूंगी। एकदम हल्के हाथ से चम्मच लगाना चाहिए इसमें, नहीं तो सारा फिश फट जाएगा। तो और अब इसे मैं 5 मिनट छोड़ देती हूँ। देखिए 5 मिनट बाद फिश भी अच्छे से भून चुका है। अब इसमें मैं थोड़ी पानी ऐड कर दूँगी। हाफ कप पानी ऐड कर दिया मैंने इसमें और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ फिश को हल्के हाथ से। चम्मच को एकदम हल्के हाथ से ही करना चाहिए। तो मैंने हल्के हाथ से इसे मिला रही हूँ और अब और थोड़ी पानी ऐड कर देती हूँ। बस इसे मैं पकने दूँगी अभी 5-6 मिनट। देखिए इतना बढ़िया से फिश एक भी फटा नहीं है, बढ़िया से है। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसा बना है, कैसा लगा पूरे वीडियो देखने के बाद, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देखिए पानी सूख चुका है, एकदम अच्छा से मसालेदार बन गया है फिश, मसाले में अच्छे से वो बन गया है। देखिए फिश एक भी टूटा भी नहीं, एकदम गोटा है फिश देखिए। और इसका खुशबू भी बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रहा है। तो आप लोग इसे रोटी या चावल का साथ खा सकते हो, बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये। और आप लोग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोग इसे रेसिपी को। तो देखिए ये अभी बन के रेडी है, तो आप लोग इसे रोटी या चावल का साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। तो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई मेरा चैनल में आके मेरा वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज में कोई देख रहा है तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। बाय बाय।